नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज राजस्थान के चुरू जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झझरिया के समर्थन में करेंगे जनसभा। वहीं 400 के पार के लक्ष्य को लेकर जनता से मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में महारैली भी करेगी। इस महारैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों एवं पर्सन विद डिसेबिलिटी का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके तहत उनके घर पर मतदान दल पहुंचेगा और उनसे वोट करवाएगा। मतदान करते समय पूरी मतदान की प्रक्रिया भी पालन की जाएगी, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देहरादून और मसूरी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक दिवसीय दौरे के दौरान मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज लोकसभा चुनाव के दौरान उज्जैन जिले के खाजरौंद, रतलाम, इंदौर और देवास जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों से कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट डालने को अपील करेंगे। नए फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली पॉलिसी बैठक बुधवार से जारी है, जहां आज कमेटी रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि लगातार 6 बार से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं इस बार संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। मौसम विभाग के अनुसार आज से झारखंड के कई इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। इसके साथ ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हीट वेव की उम्मीद है। वहीं बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अमेठी से करूं, क्योंकि अमेठी की जनता मानती है कि उसने मौजूदा सांसद को चुनकर बड़ी गलती की है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी झूठ मूठ में बीजेपी के साथ हैं और वो कल राजद के साथ भी आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पर आदरणीय मोदी जी ने कब्जा कर लिया है, ये बिहार की जनता जानती है। पंजाब के बहुचर्चित भीम टांग हत्याकांड का मुख्य दोषी हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी सुरक्षा एजेंसियों को गच्चा देकर फर्जी पासपोर्ट पर विदेश फरार हो गया है। वहीं विदेश से उसने एक वीडियो जारी कर कहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर देगा। साथ ही उसने पंजाब में रैली करने की भी चैलेंज दी है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना के सुद कैन कला और खुर्द का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हार का डर सता रहा है, यही कारण है कि वे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जेजेपी को वोट कटुआ बताए जाने पर चौटाला ने कहा कि उनके मन में जननायक जनता पार्टी का डर है, कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं है। आने वाले चुनाव में दिख जाएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पुराने साथियों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर से वरास निकाला। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर बिना नाम लिए अपने पुराने सहयोगियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप जहां रहें वफादार रहें। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तथा मंत्री बसंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है।
शिवपुरी की रहने वाली 20 वर्षीय काव्या धाकर ने 18 मार्च को अपहरण की साजिश रचकर पिता रघुवीर से 30 लाख रुपए मांगे थे। काव्या कोटा की कोचिंग क्लास से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जांच में पता चला कि काव्या ने विदेश जाने के लिए दोस्त हर्षित के साथ साजिश रची थी। अब पुलिस ने दबिश देकर दोनों को इंदौर से पकड़ लिया है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने सुप्रिया श्रीनेत पर एक बार फिर से हमला किया। कंगना ने कहा कि पहाड़ी लड़कियों का भी स्वाभिमान होता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजी के दम पर भारत और भारतीयता को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने मतुआ समुदाय के लोगों से बुधवार को आग्रह किया कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता के लिए बेझिझक आवेदन करें। ठाकुर मतुआ बहुल 24 परगना जिले की बनगांव लोकसभा सीट से फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जहां CM ममता बनर्जी ने कहा था कि वे आवेदन अगर करते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर देगी। लोकसभा चुनाव में अपनी बनाई हुई नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ खुद भी गुलाम नबी आजाद अपना भाग्य तलाश रहे हैं। वह पहली बार उस संसदीय सीट से भाग आजमाने जा रहे हैं जिसका हिस्सा आधा जम्मू में है और आधा कश्मीर संभाग में। संदेश खाली को लेकर ममता पर बरसे PM मोदी, बोले गुनाहगारों को सजा दिलवाना मोदी की गारंटी है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वन विभाग के एक कर्मचारी को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। दरअसल कर्मचारी ने अपने स्टेटस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कर्मचारी शिवशंकर मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे निलंबित कर दिया गया। जयपुर स्थित सरकारी कावंटिया अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है, जहां गर्भवती महिला को भर्ती नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को अस्पताल के वार्ड में भी प्रवेश नहीं करने दिया। आखिरकार महिला ने अस्पताल के चबूतरे पर ही बच्ची को जन्म दिया। घटना की जानकारी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर को जब मिली, उसने जाँच के आदेश दे दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और कहा कि गुलाम कश्मीर और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा जैसी समस्या के लिए अतीत की गलतियां जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता की पेशकश की गई थी, उस समय इसके रुख का जिक्र करते हुए जयशंकर ने दावा किया कि एक समय था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत बाद में चीन पहले। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।